हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूबीज किचन। तो आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज है बच्चों का रिजल्ट डे, तो आज इसी खुशी में हम लोग बनाएंगे बच्चों का फेवरेट रेसिपी, जो कि है हम रेसिपी बनाने वाले हैं बेसन का हलवा। तो इधर बच्चे स्कूल गए थे तो हमने सोचा मैं बना के रख लेती हूँ, बच्चे आएंगे तो सरप्राइज दूंगी। तो बच्चे आए तो हमने हलवा दिया, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे हलवा देखकर, अपना फेवरेट। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए ड्राई फ्रूट, तो हमने ले लिया है ड्राई फ्रूट, आप कोई भी ले सकते हैं, जितना है उतना ही में बना सकते हैं। तो हमने ले लिया है यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश, उसके बाद थोड़ा सा काजू, थोड़ा थोड़ा सब ले रहे हैं। उसके बाद ये है चार पिस्ता हमने ले लिया है, इसको हम डालेंगे नहीं हलवा में, नहीं डालेंगे, ऊपर से डेकोरेट करेंगे, अच्छा लगेगा देखने से इसलिए। तो हमने ले लिया है, उसके बाद सब ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे। इधर ले लिया हमने नारियल, नारियल को भी हम क्या करेंगे कट करेंगे, आप चाहें तो इसको चीस के डाल सकते हैं, कद्दू कर सकते हैं या फिर हाथ से भी काट के डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे डालिए। तो इधर देखिए हमने सब निकाल दिया है, इसमें डालेंगे हम लोग मखाना भी डालेंगे, पिस्ता बादाम भी रख देते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा मखाना, मखाना एक बार डाल के जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हलवा लगता है। तो इसमें डाल दिया हमने मखाना, उसके बाद देखिए इस तरीके से आप लोग चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, मैंने दोनों ही कर लिया, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। ये थोड़ा सा प्रसाद होली वाला बचा था फ्रेंड, तो इसको भी हमने डाल दिया, ख़त्म हो जाएगा तो हलवा में सारा चल जाएगा, नारियल है। तो इधर देखिए हमने एक कप बेसन लिया था उसी कप से, और इसमें डाल देंगे कढ़ाई में हम डालेंगे एक चम्मच घी, घी को अच्छे से पिघलने देंगे, उसके बाद डालेंगे अपना बेसन। तो घी जो है देखिए हमारा मेल्ट होने लगा है, तो थोड़ा सा चला देंगे तो पूरा हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से हम डाल देंगे अपना बेसन, बेसन को डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे गुटलियाँ नहीं होनी चाहिए। ये कढ़ाई जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो इसलिए थोड़ा सा गुटली आप लोग को लग रहा है, लेकिन इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फोड़ते जाएंगे, गुटलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो अच्छी तरीके से भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें एक गिलास पानी, और ये देखिए कटोरी में हमने चीनी लिया है, आप अपना चीनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कितना मीठा खाना है आपको। तो एक चम्मच एक कटोरी हमने घी डाल, थोड़ा सा घी यहाँ पर देखिए डालेंगे लास्ट में यहाँ पे। उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दिया हमने, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं हम बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इधर देखिए हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा घी डालेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, घी हमको यहाँ कहना था तो हमने वहीं बोल दिया है आपको। तो इधर देखिए हम डाल रहे हैं थोड़ा सा घी, इसे क्या होगा थोड़ा सा चिकनाहट रहता है इसमें, ये जो है हमारा कढ़ाई तेल नहीं छोड़ेगा, इसमें नॉन स्टिक रहता था उसमें तेल निकलता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो इसमें देखिए हमारा जो है गीला हलवा है, ये जो हमारा बच्चों का फेवरेट हलवा है बेसन का गीला हलवा, तो इसीलिए मैं गीला हलवा बना रही हूँ। आप चाहें तो बर्फी से में भी काट सकते हैं, थाली में रख के, कोई भी थाली या फिर में रख के उसमें बर्फी से में काट सकते हैं, तो बेसन का बर्फी हो जाएगा आपका। पहले मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, हलवा तैयार कर लिया, तो हमने कटोरी में भी लगा दिया, आप लोग को डेकोरेट करके दिखाया है, और कढ़ाई में छोड़ देते हैं ढक करके रख देंगे। बच्चे आएंगे स्कूल से तो हम देंगे उन लोग को, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे देख के, उन लोगों का फेवरेट हलवा है। तो हलवा देख के बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो इधर देखिए हमारा हलवा जो है तैयार हो चुका है, बच्चे भी आ चुके हैं, तो बच्चे को दे रहे हैं हम हलवा, तो आप लोग देख नहीं सकते हैं बच्चे हलवा देखकर कितना ज़्यादा खुश हो गए हैं, मुस्कान से आप लोग को पता चल रहा होगा कि हलवा देखकर कितने खुश हो गए हैं। जल्दी जल्दी उन्होंने अपना गिफ्ट रखा और मम्मी का हलवा टेस्ट किया, तो आप लोग देख सकते हैं पीयूष परी खाएंगे और बताएंगे आप लोग को। तो पीयूष जो है यहाँ पर खा रहे हैं, अब परी खा के आप लोग को बताएंगी कि कैसा बना है हलवा, तो परी टेस्ट कर रही हैं, इनको पसंद आया था हलवा, तो दोनों बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आप लोग देख सकते हैं बच्चे ने कितना खुश हो गए थे और हलवा खा के उसके बाद इन्होंने अपना गिफ्ट खोला और दिखा रहे हैं क्या क्या मिला है गिफ्ट में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप भी हलवा जरूर शेयर कीजिएगा और खाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।